मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रेडमी नोट 5 या रेडमी नोट 5 प्रो या रेडमी के कोई सा भी डिवाइस आप कैसे परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने mi.com खोल के रखा है रेडमी 5 का। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ही पीसी से खुद ऑफलाइन ना खरीदते हुए पैसे ज़्यादा दे के खुद कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आपके पीसी में खोलना होगा गूगल क्रोम। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपने पीसी में डेस्कटॉप में खोलना होगा। देन आपको सर्च करना होगा ये 3 डॉट्स पे जाकर, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आपको 3 डॉट्स पे जाना है, नाउ आपको मोर टूल्स में जाना है और आपको एक्सटेंशंस पे जाना है। देन आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट मोर एक्सटेंशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। देन एक नया पेज खुलेगा, तो यहाँ पर आपको सर्च द स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है फ्लिप शॉप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्लिप शॉप रेडमी नोट 5 है, इन सब के लिए आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमें एक्सटेंशन मिल गया और इसको मैंने ऐड करके रखा है। आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, फिर इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, mi.com पर जाना है आपको। mi.com पर जाने के बाद आपको आएगा ऑप्शन एक, यहाँ पर आपको ऐसा कार्ड का ब्लू कलर का दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। देन आपको mi.com पे से रेडमी 5 खरीदना है और कौन से कलर का खरीदना है, कितने GB वाला वेरिएंट खरीदना है, आपको ये देखना होगा। और आपको जो सा भी खरीदना हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सीधे आपको लैंडिंग पेज पर ले जाएगा, मतलब कि चेकआउट पेज पर ले जाएगा। फिर ये जैसे ऑटो बाय रेडमी 5 है, आपको ये सीधे आपको पहले तो अकाउंट बनाना होगा, फिर ये सीधे आपको लैंडिंग पेज चेकआउट पेज पे ले जाएगा और आपका परचेस हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जिसको और प्रॉब्लम जा रही हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपने क्वेश्चंस, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।